दिल्ली के पास नोएडा में रविवार को गिराए जाने वाले ट्विन टावर्स की वजह से कई अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि प्रशासन ने खतरे की वजह से आसपास की इमारतों को पहले ही खाली करा लिया। साथ ही नोएडा के 4 अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में फौरन एक्शन लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक जिन अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है उनमें जेपी हॉस्पिटल, फिलिक्स हॉस्पिटल, यथार्थ अस्पताल और नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद जिला अस्पताल शामिल है। इसके अलावा 6 एम्बुलेंस भी मौके पर रहेंगी। जानकारी के मुताबिक वहां इंसान ही नहीं बल्कि हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद कुत्तों को बचाने की भी तैयारी कर ली गई है। वहां एम्बुलेंस की मदद से करीब 23 कुत्तों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बहुत सारी एनिमल एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही हैं, जहां पर जो स्ट्रे डॉग्स है फिलहाल वो भी इसमें नजर आ रही है। बताया गया कि इन कुत्तों को कुछ दिन के लिए इस इलाके से दूर रखा जाएगा और हालात सामान्य होने के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 30 मंजिल की 2 इमारतें गिरने से जो धूल उठेगी वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 2 साल पहले यानी 2020 में केरल के कोच्चि में इसी तरह से एक बिल्डिंग गिराई गई थी जिसकी 17 मंजिलों को मलबे में बदलने में सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगा था। उसमें भी भारी मात्रा में बारूद लगाया गया था जिसके फटते ही बिल्डिंग भरभराकर गिर पड़ी थी। ठीक उसी तरह जिस तरह से नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराए जाने का प्लान है, इस ट्विन टावर को भी वही कंपनी गिराने वाली है जिसने कोच्चि में इस काम को अंजाम दिया था। हालांकि कोच्चि में मौजूद बिल्डिंग का मलबा पानी में गिरा था लेकिन नोएडा के ट्विन टावर का मलबा वहीं जमा रहेगा। इसके अलावा आसपास बिल्डिंगों के होने की वजह से यहां खतरा भी ज्यादा है जिसके लिए प्रशासन और बिल्डिंग गिराने वाली कंपनी दोनों ही ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं।